हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉक विद तनवीर में। दोस्तों, वीडियो में हम बात कर रहे हैं अगर कंप्यूटर की सारी सेटिंग्स अगर आपको एक ही जगह मिल जाए तो कितना अच्छा हो और हमारे सारे काम एक ही जगह से हो जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे आप सभी लोग कंप्यूटर चलाते हैं तो कंट्रोल पैनल के बारे में जरूर जानते होंगे। कंट्रोल पैनल से क्या क्या काम हो सकता है और आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कंट्रोल पैनल जैसा ही हम लोग गार्ड मोड फोल्डर को क्रिएट करेंगे जिससे कि सारे सेटिंग्स को एक ही जगह एक्टिवेट कर देता है। यह विंडोज कंप्यूटर सिस्टम का एक फीचर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फीचर है जिसमें कि लगभग 300 के आसपास फीचर दिए हुए हैं जिससे हम लोग कंप्यूटर की सारी सेटिंग आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे गार्ड मोड फोल्डर को क्रिएट करते हैं और कैसे काम करता है। दोस्तों, जैसा हमने वीडियो के इंट्रो में बताया कि हम यहाँ पर गार्ड मोड फोल्डर को क्रिएट करेंगे जो कि कंट्रोल पैनल के जैसा काम करता है। इसके लिए सबसे पहले हमें एक फोल्डर बनाना होगा और फोल्डर बनाना आप सब जानते हैं। राइट क्लिक करिए, न्यू पर जाइए और यहाँ पे फोल्डर बनकर तैयार हो। अब हम क्या काम करते हैं, ये जो ब्लू कलर में आ रहा है न्यू फोल्डर लिख के, हम इसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब हम क्या काम करेंगे, एक कोड हमारे पास है, उस कोड को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। चलिए, उस कोड को हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। जैसे इंटर प्रेस करेंगे, अब आप देख रहे हैं कि यह हमारा गार्ड मोड फोल्डर के नाम से बन के तैयार हो गया है। दोस्तों, ये जो कोड मैंने पेस्ट किया है, मैं नीचे कोड दे दूंगा आप लोग को जिससे आप लोग आसानी से पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं एक बार इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे ही हम ओपन करेंगे और यहाँ से हम थोड़ा इसके आइकन को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। देखिए, जैसे मैंने बिटलॉगर की बात की तो यहाँ पर बिटलॉगर का भी ऑप्शन दे रहा है, आप बिटलॉगर को ऑन और ऑफ कर सकते हो। थोड़ा सा मैं पीछे और चलता हूँ, थोड़ा सा और नीचे आएंगे, इसमें और ढेर सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। आप एक ऑप्शन को आसानी से यूज कर सकते हैं और आप हमें कमेंट जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा और कितना फ़ायदेमंद रहा। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें।